फ्रेंड्स, यार सीन आज कुछ ऐसा है कि यार सुबह के बजे अभी 5:30 और हम जाते हैं लगभग 4 बजे मॉर्निंग राइड पे। तो आज कुछ अलग ही सीन था। रामफिश भी आ गए स्टेडियम और मैं जा रहा हूँ यार एक बादराबाद बाईपास के पास। एक साइट शुरू होने वाली है मेरी, वहाँ पे एक सीवर पंपिंग स्टेशन बनाना है। तो वहाँ पे सुबह सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई है ईंटे लेके, तो उसके पास जा रहा हूँ। पहले इधर से रानीपुर झाल होते हुए, सुभाष नगर से रानीपुर झाल होते हुए वहाँ जाऊँगा और उसके बाद उसे रास्ता दिखा के फिर सीधा स्टेडियम भी चले जाऊँगा रामपेश भैया के पास। फ्रेंड, सभी ने PSC के आगे से होते हुए आगे एक छोटा सा रानीपुर गांव है उस साइड जा रहे हैं और एक झाल वाला रास्ता है। उस झाल वाले रास्ते को नदी से अंदर से पार करेंगे। यार काफ़ी अंधेरा है तो नदी से पार करता हूँ उस झाल वाले रास्ते को। फ्रेंड्स, अंधेरा काफ़ी है, अभी कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अभी मैं नदी के अंदर हूँ रानीपुर झाल में और इसे क्रॉस करके चढ़ूँगा सीधा हाईवे पे, दिल्ली वाले हाईवे पे। अभी नदी क्रॉस करने के बाद ना हाईवे पे चढ़ चुका हूँ और थोड़ा सा ही रह गया मेरा। और हाईवे के लेफ्ट साइड में एक प्लाटिंग हो रही है, उसी के अंदर सीवर पंपिंग स्टेशन बनना है, उसी के लिए ईंटें आई हैं। तो यार अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ सीधा और यहाँ पे बादराबाद रोड पे जो शनिदेव मंदिर है उसके आगे आ चुका हूँ। अंधेरे में वीडियो तो साफ नहीं बन पा रहा होगा, तो बस चलते हैं और 2-4 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। यार ट्रैक्टर ना गेट के अंदर आने में अटक चुका है क्योंकि यहाँ पे पीछे कच्चा सा है, तो अभी ये जोर लगा रहा है निकलने के लिए। तो देखते हैं यार निकलता कि नहीं निकलता, क्योंकि ईंटें काफ़ी हैं इसके अंदर, 8,000 ईंटें। तो अभी ये इस प्लॉट के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पे यार हमने ये SPS बनाना है और सिवर लाइन बिछानी है। तो वो जो वो कोना है वहाँ थोड़ी बहुत ईंट उतार के वहाँ पे लेबर हट बन जाएंगे और इसी के अंदर किसी कोने में हम अपना सीवर पंपिंग स्टेशन बनाएंगे। और उधर वो बैक साइड में जो प्लॉटिंग है अंधेरे में, उधर की साइड हम अपनी प्लॉटिंग में यार सीवर लाइन बिछाएंगे। तो अभी देखते हैं ये अनलोड होता है कि नहीं। काफ़ी जोर लगा रहा ट्रैक्टर यार, और शाबाश। नहीं यार थोड़ा दिक्कत है। यार मेरे पीछे ना ट्रैक्टर गेट के जहाँ से अंदर घुसना है वहीं पर अटक चुका है। तो कुछ ईंटें हम करेगा अनलोड यहाँ पे और उसके बाद फिर ये जो कोने में जहाँ हमने वो बनाना है लेबर हट, तो वहाँ पे करेगा। तो उसके अब मैं यार यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी देर तो नहीं हो चुकी। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपनी साइकिलिंग करते हुए, सीधा स्टेडियम में जाऊँगा उसी नदी से होता हुआ। लगभग यार 4 किलोमीटर घर से साइड बैठी थी, 4-4.5 किलोमीटर, और मुझे लगभग 15-20 मिनट लगे थे। और अभी मैं जा रहा हूँ यार वापस सीधा स्टेडियम की तरफ। तो वहाँ पे मेरा रामपेश भैया इंतजार कर रहे हैं स्टेडियम में, तो मैं निकलता हूँ यार स्टेडियम की तरफ, BHEL स्टेडियम की तरफ बादराबाद से। फ्रेंड्स, आते हुए ना यार हाईवे छोड़ के सर्विस रोड पे हूँ। और एक्चुअली मैं हाईवे पे जाता तो आगे जो दो नहरें आती हैं गंगा जी, उसे क्रॉस करने का सिस्टम नहीं है। तो सर्विस रोड से फिर जो नदी मैंने आपको अंधेरे में दिखाई थी, उस नदी से ही क्रॉस होऊंगा यार। अभी आपको ना दिन में भी वो नदी दिखा दूंगा। तो उसको क्रॉस होते हुए सीधा टीरी कॉलोनी सेक्टर 3 और BHEL के स्टेडियम में पहुंचूंगा। तो लगभग 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ से भी। और अभी तो यार शनिदेव मंदिर के आसपास ही पहुंच रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जहाँ बसेस खड़ी हैं सामने, वो शनिदेव मंदिर है। और यहाँ पे मंत्रा हरिद्वार के नाम से ये रिसॉर्ट्स बना हुआ है। और चलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं सीधा BHEL हरिद्वार स्टेडियम में, BHEL के स्टेडियम में चलते हैं। फ्रेंड्स, यार जब मैं पहले इस नदी से गुजरा था अभी थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी अंधेरा था। अब आप दिन में इस नदी को देख सकते हो। ये नदी शिवालिक नगर की साइड से आती है, रानी रोड इसका नाम है। तो देख सकते हो आप इस नदी को यार। फ्रेंड्स, नदी में ऑफ रोड करते हुए अब मैं जाऊँगा सीधा BHEL, और यही वो नदी है जिसमें सुबह मैं यहाँ से गुजरा था। फ्रेंड्स, फुल बट्टा फुल ऑफ रोड नदी है ये, और मेरी साइकिल जो है MTB है, मोटे टायर है, तो थोड़ा ऑफ रोड भी कर लेती है। बिल्कुल कच्ची नदी, और यहाँ से आ जाएंगे हम फिर टीवी वाले रोड पे, कच्ची नदी पार करते हुए। अभी अंधेरे में इधर से निकल के गया था, जब तो फिर वीडियो बनाया भी था, तो वो वीडियो यार अंधेरे में बन नहीं पा रहा था, तब भी मैंने डाल दिया है वो वीडियो। तो ये नदी को करते हैं क्रॉस और चलते हैं सीधा टीटी कॉलोनी में। तो फ्रेंड्स, यार नदी को पीछे छोड़ते हुए सीधा शिवालिक नगर से मैं आ चुका हूँ शिवालिक नगर के मेन रोड पे, जहाँ पे अपनी ये अटल वाटिका भी बनी हुई है। क्योंकि मैं टीरी कॉलोनी से भी जा सकता था, तो मैंने सोचा यार इधर से चलते हैं, थोड़ा रोड भी अच्छा है। तो अभी शिवालिक नगर पहुँच चुका हूँ,
तो अभी यहाँ से ले लूँगा सीधा टीरी कॉलोनी में जो नया ब्रिज बना है उस साइड से, और फिर वहाँ से सीधा कोतवाली रानीपुर के आगे से होते हुए पहुँच जाऊँगा सीधा स्टेडियम। यार चेन बहुत परेशान कर रही है साइकिल की, बार बार उतरे जा रही है यार, दो बार चेन उतर चुकी है और हाथ भी सारे काले हो चुके हैं। तो चलते हैं यार अभी स्टेडियम की तरफ ही। कर लिया यार टीरी कॉलोनी और स्वेलिंग नगर का नया पुल पार, और अब जाते हैं सीधा उधर सर कोतवाली रानीपुर मोड़, रानीपुर पहुंच चुके हैं, कोतवाली रानीपुर पहुंच चुके हैं। BHL में जो सेक्टर 3 में, और पायल पैलेस के आगे से होते हुए पहुंच जाएंगे सेक्टर 4 और सीधा स्टेडियम। तो लगभग 10 मिनट और लगेंगे, जब तक मैं पहुंचूंगा तो वापस जाने का भी टाइम हो चुका होगा। तो पहुंचते हैं स्टेडियम। तो फाइनली ना यार हम BHL वाले रोड पे हैं और सीधा स्टेडियम रोड पे। तो स्टेडियम यहाँ से रह गया लगभग 1 किलोमीटर। तो पहुँचते हैं स्टेडियम यार, काफ़ी ज़ोर लगाया जल्दी आने के चक्कर में, तो सांस भी थोड़ी फूल गई है। तो पहुँचते हैं सीधा स्टेडियम यार, और वहाँ रामपीस भी मेरे वेट कर रहे हैं। अभी लगभग KV के आसपास पहुँच चुका हूँ मैं, KV स्कूल के आसपास पहुँच चुका हूँ। आप सामने देख सकते हैं ये जो बाउंड्री वॉल है ये KV की है। तो चलते हैं यार स्टेडियम की तरफ। तो फ्रेंड्स यार फाइनली ना हम स्टेडियम BHL पहुंच चुके हैं। तो जो रामपीश भैया हैं वो अलग से आए थे, मेरे को थोड़ा भादराबाद जाना पड़ा था ईटे उतरवाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे ईटे उतरवाई और सीधा रानीपुर झाल से, जैसे मैं आपको भी वीडियो डालूँगा पता चल जाएगा, रानीपुर झाल से होते हुए सीधा मैं पहुँचा हूँ स्टेडियम। और थोड़ा चेन उतर रही थी साइकिल की, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा ऑफ रोड था और रोड भी ठीक नहीं था, और बाकी फिर नदी में से आना पड़ा तो काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं यार आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर हुए पूरा, जो मेरा सुभाष नगर से शुरू हुआ था उसका अभी देख के बताता हूँ। यार लगभग ना 11.5 किलोमीटर के करीब हुए हैं, 11 किलोमीटर के करीब हुए हैं लगभग। और क्या कहते हैं ये जो 11 किलोमीटर है ये मैंने 1 आवर्स में पूरे करे हैं, और सारा ऑफ रोड है, और मैं वहाँ रुका भी, और जो जिस ट्रैक्टर में ईटे आ रही थी वो ट्रैक्टर भी फंस गया था, तो वहाँ भी मेरे को 10-5 मिनट लगे। तो ये 11 किलोमीटर जो नदी में से भी रास्ता था और अंधेरा था। तो ये वीडियो यार यहीं पे करता हूँ एंड, प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इसको। तो अभी हम पहुँच चुके हैं स्टेडियम।